उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर शहर विधानसभा 37वें चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई। नामांकन प्रक्रिया से लेकर नाम वापसी तक की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के बाद स्थानीय भाजपा कार्यालय में हलचल तेज कर दी है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के नाम की घोषणा की तो वही मीडिया से रूबरू होकर उपचुनाव जीतने के लिए की गई पार्टी की तैयारी को सामने रखा है। बेनीवाल ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा तो वही इस उपचुनाव में कमल खिलाने को लेकर अस्वस्थ नजर आए। भाजपा से घोषित प्रत्याशी आकाश सक्सेना का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया तो वही उन्होंने अपनी जीत का दावा पेश करते हुए जनता से सहयोग का आश्वासन किया। आकाश सक्सेना को एक बार फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। उन्होंने इस पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए हाईकमान को जीत का आश्वासन भी दिया है। भैया, आज चुनाव का जो आपको रामपुर से प्रत्याशी बनाया है, क्या उम्मीदें अब आप रामपुर वासियों से लगाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और यहाँ ऐतिहासिक विजय होगी। क्या लगता है आपको, इस जो आजम खान का किला रहा है 10 बार, अब इस बार इस किले को ढहाने के बाद आप फतेह या हासिल? देखिए, आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। रामपुर वासियों से क्या अपील करेंगे आप? बस रामपुर वासियों से सिर्फ यही अपील है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताएं ताकि हम ये दिखा सकें कि रामपुर भी विकास के लिए जाना जाएगा, ना कि किसी और चीज़ के लिए। रामपुर पुनः इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ नया इतिहास रचने वाला है। जैसे लोकसभा उपचुनाव के अंदर रामपुर के अंदर घनश्याम लोधी जी को जिता करके यहाँ की जनता ने संसद में भेजा था, उसी प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास भाजपा के साथ है और एक इतिहास रामपुर की जनता दोबारा रचने वाली है। अच्छा, आजम खान जो रामपुर से 10 बार के विधायक हैं, उनसे पहली बार बीजेपी के टक्कर ले रहे हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने शोषण किया है, जनता का उत्पीड़न किया है, जनता उस उत्पीड़न से मुक्ति चाहती है और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विकास के लिए यहाँ की जनता मतदान करेगी और उत्तर प्रदेश में पुनः रामपुर में इतिहास रचते हुए रामपुर से एक प्रत्याशी भाजपा का जिता करके विधानसभा में। आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी आजम खान के किले को ढहाने के बाद? पहले भी किला ढहाया है, दोबारा किला ढहेगा, कोई किला बचा नहीं। मोहित जी साहब, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।